इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेसिस इज द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग नाउ टॉक्सिक सबस्टेंस इज डिफाइंड नंबर वन आ टॉक्सिक सब्सटेंस इज वन दैट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ए पर्सन और एनिमल किसी भी शख्स या जानवर की सेहत के ऊपर जो चीज़ बैड इफेक्ट डालती है उसको टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ डी स्टूडेंट्स आपके लिए अ टॉक्सिक सब्सटैंस इज़ वन डेट हैज़ आ नेगेटिव इफेक्ट ऑन देल्थ ऑफ ए परसन आर एनिमल अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो किस तरह टॉक्सिक सब्सटैंस एनवायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है अगर आप इंडस्ट्रियल हाइजीन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉक्सिक सब्सटैंस नहीं होना चाहिए अगर है तो कंट्रोल में होना चाहिए हमें मालूम है कि केमिकल्स यूज होते हैं जो केमिकल यूज़ होते हैं उनकी वहाँ पे इस चीज़ को इंशोर किया जाता है कि केमिकल एनालिस्ट मौजूद हैं जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए नुकसानदेह तो नहीं है इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे इंशोर करना होता है टॉक्सिक इफेक्ट्स आर अ फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स नंबर वन प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस वो जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं खूसियात क्या हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा स्वयर नेचर का तो नहीं है अगर हम एच टू एसोफोल की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर जिंक सल्फेट की बात करें जैरन एसोफोल तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं ये इंसान की जो स्किन है इसको जला सकते हैं ये अगर ज़मीन पर अगर आप फेंकें तो ज़मीन के अंदर वो सुराख थोड़ा सा मकदार में कर सकते हैं अगर आप टेबल पे फेंकें तो उस टेबल के कुछ हिस्से को जला सकते हैं अब यहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इनको इस हवाले से जब यूज़ किया जाए उनकी प्रॉपर एस को फॉलो किया जाए नंबर टू अमाउंट ऑफ डोज़ कि वो जो उसकी डोज यूज़ करनी है अब उसकी मकदार कितनी यूज़ करनी है क्या उसकी मकदार सेंटीमीटर में है मिलीमीटर में है या लीटर में है हाफ़ लीटर में है कौन सी मकदार हमें रिक्वायर्ड है अगर लिक्विड फॉर्म में है तो डेफिनेटली हमें वो लीटर वगैरह में उसकी मकदार रिक्वायर्ड है अब उसकी जो मकदार हमें रिक्वायर्ड है उस चीज़ को इंशोर किया जाए कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं और बायदा एस ओ पी के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं तो उसके नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं लेवल ऑफ एक्सपोजर वो जो इम्प्लाई है आपका वो कितना एक्सपोज हो रहा है उस चीज़ के सामने मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको फर्ज करें कि फर्नेस है जिसे भट्टी कहते हैं जिसमें लोहा मेल्ट होता है वहाँ पे एक बंदा एक्सपोज होता है वहाँ पे जाके जॉब कर रहा है जब वहाँ जा कर जॉब करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा तो जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ एक्सपोजर नंबर फोर रूट ऑफ एंट्री आप उस जगह पे एंटर कहाँ से हो रहे हैं अगर आप जहाँ से एंटर हो रहे हैं वहाँ पे एक सेफ पैसेज आपको मिल रहा है एंटर होने के लिए अब एग्जिट होगा वो कहाँ से होगा क्यों होगा कैसे होगा इन सब चीज़ों को इंशोर किया जाता है और पाँचवा पॉइंट है रिजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल टू द सब्सटेंस वो जो भी सब्सटेंस है उसके लिए इंडिविजुअल रिजिस्ट कितना कर रहा है उसकी बॉडी कैसी है इंडिविजुअल फिजिकली फिट कितना है अम्यूनिटी पावर कितनी है उसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है वो पहले ही किसी क्रोनिक डिजीज में बंदा पहले ही क्रोनिक डिजीज़ का शिकार है और उस वजह से वो जो चीज़ है वो बहुत जल्दी उस पर इफेक्ट हो जाती है इन चीज़ों को देखना बहुत लाजम है एंट्री पॉइंट फॉर टॉक्सिक एजेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ दिवेंट्री मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी हैजर्ड एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल हाइजीन रिक्वायर्ड फर्स्ट नोइंग हाउ टॉक्सिक एजेंट्स एंटर बॉडी इनहेल से ये काम शुरू होता है स्किन ऑब्जॉर्बेशन इंजेक्शन एंड इंजेस्टन इन चारों का मतलब है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ जब आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी का वो हिस्सा बनेगी इनहेल होगी आपके मुंह के जरिए नाक के जरिए कानों के जरिए वो आपके जिस्म के अंदर जाएगी फिर स्किन ऑब्जॉर्बशन स्किन की वजह से भी हो सकती है इंजेक्शन अंदर चली गई फिर इंजेशन इंजेक्शन का मतलब है कि आपके स्टॉमिक का हिस्सा बन सकती है तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है द मोस्ट कॉमन रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स आर इनहेलेशन एब्जॉर्शन इंजेक्शन एंड इंजेस्ट इन चारों में से हमारे इनहेल करने के पॉइंट कौन कौन से हैं एंट्री पॉइंट्स फॉर टॉक्सिक एजेंट्स द रूट ऑफ एंट्री अबाउट विच सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल शुड बी मोस्ट कंसर्न इज इनहेलेशन फॉर एग्जाम्पल इफ इज स्मोकर और दूसरा बंदा स्मोकिंग नहीं करता एक स्मोकर है तो जो दूसरा स्मोकिंग नहीं करता उसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं वो तो स्मोक कर रहा है लेकिन उसका जो स्मोक है वो दूसरा बंदा इनहेल कर रहा है अब इनहेल करेगा उसके बाद उसकी जेसन होगी वो उसकी प्रॉपर जहाँ जहाँ जाना है जिन चीज़ों को इफेक्ट करना है वो करना शुरू कर देगा इसको हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट द सेकेंड मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एंट्री इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग इज बशन आप जो चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं पैसेज थ्रू द स्किन एंड इन टू द ब्लड स्ट्रीम और वो आपकी बॉडी से होता हुआ आपकी स्किन के जरिए से होता हुआ आपके ब्लड का हिस्सा बन जाता है मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनाइजेशन अक्सर अपना कंटेमनेटेड वाटर डिस्चार्ज करती हैं गली मोहल्लों में नदी नालों में स्ट्रीम में रिवर्स में या सी में अब जब ये उनका गंदा जो पानी है जिसको हम कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं वो आगे चला जाता है फिश के बॉडी के अंदर अब फिश में वो कैसे चला गया कंटेमिनेटेड वाटर बेसिकली थ्रू बॉडी स्किन फिश ऑब्जॉर्व कर लेती है जो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है ऑब्जॉर्बशन तो इंसान भी जब कोई चीज़ इस तरह की इनहेल कर लेगा तो उसकी बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाएगी जिसकी वजह से उस बंदे के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अब यहाँ पे एक पॉइंट है वो ये है द ह्यूमन स्किन इस अ प्रोटेक्टिव बेरियर अगेंस्ट मैनीड्स अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान की स्किन को इस तरह बनाया है कि बहुत से जो हैजर्ड हैं उनसे वैसे ही या बच जाते हैं आपकी स्किन उनको वैसे ही ब्लॉक कर लेती है इंजेक्शन नॉट अ मेजर कंसर्न इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग इज एंट्री थ्रू द माउथ माउथ के थ्रू जो होगी वो इंजेक्शन होगी एन इंजेस्टेड सब्सटेंस इज स्वेलोड जो कि हम चुइंगिंग के जरिए चुविंग हम यूज करते हैं चुइंग करते हैं दांतों की मदद से तो वो आपके गले से होती हुई स्टॉमिक में पहुँच जाती है इसी तरह यहाँ पर यह बताया गया है कि जो चीज स्टॉमिक में पहुँच जाती है फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लड का हिस्सा भी बन जाती है देन इंजेक्शन 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 इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ ए सबस्टेंस इन टू बॉडी बाय वे ऑफ अ नीडल एंड सरेंच बहुत बाद आप नीडल सेंज की मदद से अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं और उससे वर्ड है इंजेक्शन इंजेक्शन की मदद से भी कोई चीज़ आपके टॉक्सिक बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे टॉक्सिक सब्सटेंस इंजेक्शन के जरिए भी आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है इसको हम लोग इंजेक्शन्स बोलते हैं अब यहाँ पर इस चीज़ के मुतलक ये बयान किया गया है कि जब भी आप कोई इंजेक्शन लें या कोई ऐसी चीज़ लें जो बॉडी के जरिए अंदर में जा सकती है तो उसके एस ओ पीज भी फॉलो करना लाजम है अदरवाइज आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस जो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल हैं उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस वेरी वाइडली एज डू दब्सटेंस दैम सेल्फ सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिफर करता है कि वो किस हद तक आपकी बॉडी को वो चीज़ इफेक्ट कर रही है हाउ एवर

अगर वो चीज़ लंबे अरसे तक आपकी बॉडी का हिस्सा रहती है और वो बीमारी कंटिन्यूस चलती है तो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इस चीज़ को देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इरीटेशन का ये चीज़ें बायस बनती हैं और बाद में अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए प्रॉपर चेकअप ना किया जाए तो ये चीज़ें इंसान की डेथ का भी बास बन सकती हैं एक्यूट इफेक्ट एंड एक्सपोजर्स आर सडन सीवियर टिपिकली इन्वॉल्व एंड काज इमिजिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्यूट इफेक्ट्स में ये चार चीजें देखी जाती हैं क्रोनिक इफेक्ट्स द एक्सपोजर्स इन वॉल लिमिटेड कॉन्टीअल एक्सपोजर ओवर टाइम कंसिक्वेंटली द एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम डिवेल्प स्लोली इसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रॉब्लम इंक्रीज होती है और वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने का बायस बनती है कॉन्टीन्यूल एक्सपोजर ओवर टाइम लिमिटेड कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोग्रेसिव एक्मोलेशन प्रोग्रेसिव का मतलब है ग्रेजुअली इंक्रीज होती है तो अग्रेसिव अगर इन टाइम आप उसको कंट्रोल कर लें तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने के बजाय ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाती है और आपकी हेल्थ बेहतर वे में डेवेल्प हो सकती है लिटिल नो अवेयरनेस ऑफ एक्सपोजर ऑन द पार्ट ऑफ अफेक्टेड वर्कर्स अफेक्टेड वर्कर्स जो होता है उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी बॉडी के अंदर मुख्तु किस्म के टॉक्सिक सबस्टेंसेज जा रहे हैं वो रूटीन में अपना काम कर रहा होता है उसको उस वक्त आइडिया होता है जब उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ नुकसान पहुँचा चुकी होती है रिलेशनशिप ऑफ डोजेज एंड रिस्पॉन्स डोज और रिस्पॉन्स का बहुत गहरा तल्लक है डोज कॉज है रिस्पॉन्स इफेक्ट है अगर आप मेडिसिन की डोज लेते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में क्या है आपकी वो मेडिसिन क्योर होती है आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो क्योर होती है आपकी इलनेस रिकवर हो जाती है तो ये रिलेशनशिप है डोज और रिस्पॉन्स का अ डोज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कैन भी एक्सप्रेस इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन दी करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ दबस्टेंस फॉर एग्जाम्पल अमाउंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट अमाउंट पर बॉडी सर्फेस एरिया किसी बंदे की बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए भी ये चीज़ देखी गई है कि अगर बाज़ात वो बंदा फिजिकली वीक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अम्यूनिटी पावर नहीं है और वह कम मकदार में भी अगर टॉक्सिक जो है सबस्टेंस लेता है तो वो उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और एक बंदे की अगर बॉडी हेल्दी है उस बंदे की अम्यूनिटी बेटर है तो चांस है कि वह बंदा बहुत जल्दी उस चीज़ से सफ़र नहीं होगा एयरबोर्न कंटेमिनट्स एयरबोर्न कंटेमिनेट्स वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हवा को मुतासर कर सकती हैं और इंडस्ट्रियल हाइजीन की डेफिनेशन से इसको निकालती हैं एयरबोर्न कंटेमिनट्स डस्ट्स हम लोग आपने अक्सर देखा होगा कि जब गर्दो गुबार चलती है हवा चलती है तो उसमें डस्ट वगैरह हवा में उड़ रही होती है ऐसा क्यों होता है और जब आप वहीं पे पानी वगैरह लगा देते हैं तो डस्ट के चांसेस हवा में जाने के कम हो जाते हैं डस्ट्स आर वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वेन आर गिवन टाइप ऑफ ऑर्गेनिकर इन ऑर्गेनिक मटीरियल इज स्क्रैब एंड क्रशड जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्रश किया जाता है या स्क्रैब किया जाता है तो वहाँ पर डस्ट पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं द मोस्ट कॉमन काज ऑफ फ्यूम्स इन दर्क प्लेस आर सच मैनुफैक्चर प्रोसेस आर वेल्डिंग एंड हीट ट्रीटिंग ये डेफिनेशन मैंने एग्जैक्ट बोली है जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं हीट को डील कर रहे होते हैं तो उसकी मदद से भी काफ़ी चीज़ें वहाँ डवेल्प हो रही होती हैं तो यहाँ पर डी स्टूडेंट्स ये देखें डस्ट फ्यूम स्मोक एल्सोल्स मिस्ट गैसेज वेपोर ये सारी चीज़ें क्या हैं एयर एयरबोर्न कंटेमिनेट्स हैं ये वो चीज़ें हैं जो आपकी एयर एयरबोर्न को बहुत ज़्यादा हद तक पोल्यूटेड करने का बायस बनती हैं जिसमें स्मोक सबसे इंपॉर्टेंट है एयरबोन कंटामिन सॉलिड पार्टिकल सो स्मॉल दैट दे कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एन एयर ये हवा में ठहरे रहते हैं और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं आर आरटीनी लिक्विड ड्रॉप्स एक बेसिकली अगर देखा जाए तो जब आप लोग धुंध होती है फॉग और एक पानी के कतरे वाज फजा में होते हैं उसको मिस्ट कहते हैं मिस्ट आर आरटीनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर जो कि हवा में थोड़ी देर रहते हैं बाद मल्लक रहते हैं बाद में ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें एयर बोर्न कंटेमिनेट्स का बायस बनती हैं अनलाइक अदर एयर बोर्न कंटेमिनेट्स दैट टेक्स फॉर्म ऑफ इधर टिनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स गैसेस आर एक्चुअली फॉर्मलेस फ्लूडस ये जितनी चीज़ें डी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए मैंने अभी बयान की हैं इन सब का ताल्लक इस चीज़ के साथ है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंडस्ट्री कंटेमनेटेड वाटर डिस्चार्ज कर रही है तो उसके एस ओ पीज़ हों अगर फ़िलाह में स्मोक डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके एस ओ पीज़ हों कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एस ओ पीज हैं उनको इग्नोर करके वही चीज़ें ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ का बायस बने